भारत के जो 80 करोड़ हिंदू है उनके आस्था को ठेस पहुंचाने का काम किया जा रहा है, उनकी दिल को ठेस पहुंचाने का काम किया जा रहा है। तो मैं कहना चाहता हूँ समाजवादी के नेताओं से, आप क्यों बोखलाहट में आ रहे हो, क्यों आप ये आप छोड़ दीजिए, अब ये भारत की जनता आपके बहकावे में नहीं आएगी। इनका मिशन एक ही है, नरेंद्र मोदी जी का सफाया करो और योगी जी का सफाया करो। हिंदुओं को हर तरीके से सताने का काम किया जा रहा है, ये कौन सी राजनीति चल रही है। देखिए नरेंद्र मोदी जी भारत के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी वही प्रधानमंत्री है जो हिंदू मुस्लिम को साथ लेकर चल रहे। ये जो बीजेपी को हराने के लिए वो किसी भी हद तक जाएंगे। रामचरितमानस के बारे में इन्हों कछु जानकारी ना है, ये चुनाव के लिए वोट लेने के लिए रामचरित्र और हिंदू पर टिप्पणी करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगन टीवी और मैं हूं आपके साथ राधिका शर्मा। बात की जाए समाजवादी पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य की, एक बार फिर से उन्होंने सनातन पे प्रहार किया है। उनका कहना है कि जो अपनी माँ के पेट से पैदा होगा वो सनातनी होगा, ब्रह्मा के मुख से जो पैदा होगा वो ब्राह्मण और पैरों से जो पैदा होगा वो शूद्र। ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो उनकी नज़र में गलत है, और जिस तरह से उन्होंने सनातन को फिर एक बार निशाना साधा है, क्या लगता है सही है? आइए बातचीत कर लेते हैं, क्या कहेंगे? सही है, देखिए बहुत तरीके गलत है। ये भारत के जो 80 करोड़ हिंदू है उनके आस्था को ठेस पहुंचाने का काम किया जा रहा है, उनकी दिल को ठेस पहुंचाने का काम किया जा रहा है। ये काफ़ी समय से अपने आप को सत्ता में लाने के लिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए ये तरह तरह की राम की किताब पर टिप्पणीबाजी कर रहे और तरह तरह के आरोप लगाने का काम कर रहे। तो मैं कहना चाहता हूँ समाजवादी के नेताओं से, आप क्यों बोखलाहट में आ रहे हो, क्यों आप ये आप छोड़ दीजिए, अब ये भारत की जनता आपके बहकावे में नहीं आएगी। आप हिंदुओं को जगा रहे हो जितना आप राम के ऊपर की उंगली उठा रहे हो और तरह तरह की टिप्पणी कर रही है। तो ये भारत का हिंदू जाग रहा है, भारत के हिंदू को पता है हमें कहाँ वोट देना है 2024 में। इनका मिशन एक ही है, नरेंद्र मोदी जी का सफाया करो और योगी जी का सफाया करो और सनातन धर्म खतरे में आ जाएगा और हिंदू अपना आप खतरे में आ जाएगा, हिंदू का सफाया हो जाएगा, हिंदू खत्म हो जाएगा। अरे तरह तरह के हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, पत्रकार साहब क्यों टारगेट किया जा रहा है हिंदुओं को, और राम की किताब पर क्यों उंगली उठाई जा रही है, क्यों तरह तरह की टिप्पणीबाजी क्यों जा रही है। अरे भारत के हिंदुओं ने क्या बुरा किया है, इन विपक्ष से मैं पूछना चाहता हूँ। आज तक तुम 60 साल सत्ता में रहे, अरे यही भारत के हिंदू थे जो तुम्हें सत्ता में रखा है इन्होंने 60 साल से। मैं पूछना चाहता हूँ समाजवादी के नेता से, अगर उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री अखिलेश जी रहे, ये क्या नाम उनके पिताजी रहे, वो किन्होंने सपोर्ट किया है, हिंदुओं ने सपोर्ट किया है। आज तुम हिंदुओं को दबाने का काम कर रहे हो, हिंदुओं को हर तरीके से सताने का काम किया जा रहा है, ये कौन सी राजनीति चल रही है, ये देश ऐसे चलेगा, ये धर्म के ऊपर देश को चलाना चाह रहे। अच्छा, साथ साथ में ये भी बोला विपक्ष की तरफ से, ये भी बोला जा रहा है कि जो राम मंदिर बन रहा है वो तो सिर्फ दिखावा है, लोगों से वोट पाने के लिए जो है मोदी जो धार्मिक मुद्दों को सामने लेकर आ रहे हैं। देखिए नरेंद्र मोदी जी भारत के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी वही प्रधानमंत्री है जो हिंदू मुस्लिम को साथ लेकर चल रहे। अगर आज हिंदुओं का नरेंद्र मोदी जी विकास कर रहे हैं तो आपत्ति है राहुल गांधी जी को, आपत्ति है क्या नाम अखिलेश जी को, आपत्ति है नीतीश कुमार जी को, आपत्ति है मायावती जी को, आपत्ति है केजरीवाल जी को, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी सनातन धर्म को फॉलो कर रहे हैं और सनातन धर्म के लोगों का विकास कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम को साथ लेकर चल रहे, इन्हें यही आपत्ति है। अरे तुम्हें आपत्ति क्या है भारत के हिंदुओं जो तुम तरह तरह के हिंदुओं पर आरोप लगाने का काम कर रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं क्यों घेरने का काम किया जा रहा है इस तरीके का, क्यों ये तरह तरह के टिप्पणीबाजी कर रहे हैं राम की किताब पर। मैं पूछना चाहता हूं नरेंद्र मोदी जी अगर सबका विकास कर रहे हैं, सबको साथ लेकर चल रहे हैं, तो इससे आपत्ति क्या है। अरे भारत के हिंदुओं को जागना होगा, और कहां है भारत जो हिंदुओं के ठेकेदार बताते हैं अपने आप को, वे क्यों नहीं रोड पे आ रहे, इन जैसों का विरोध क्यों नहीं किया जा रहा, इन्हें जेल में क्यों नहीं डाला जा रहा, इन पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही जो देश को तोड़ने का काम कर रहा है और सनातन धर्म को तोड़ने का काम कर रहा है, राम की किताब पर उंगली उठा रहा है, तरह तरह की टिप्पणीबाजी की जा रही है, इन जैसों पर कार्रवाई होनी चाहिए, जेल में डाल दिया जाना चाहिए, और भारत का हिंदू सो रहा है। अरे तुम्हें जैसे को रोड पे आ जाना चाहिए, तुम्हें रेल बंद कर देनी चाहिए, हाईवे जाम कर देना चाहिए, सारे रोड बंद कर देना चाहिए, जाम कर देना चाहिए, तुम्हें अपने घर से बाहर निकल कर आना होगा। मैं भारत के हिंदुओं से कहना चाहता हूँ, अगर नरेंद्र मोदी जी चले गए, क्या योगी जी चले गए, तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। अगर कांग्रेस की सरकार आ गई तो मैं ये भी बताना चाहता हूँ भारत के हिंदुओं से, जो हालात पाकिस्तान के, जैसे पाकिस्तान के हाथ में कटोरा और भीख तक नहीं मिली, ऐसे भारत के हिंदुओं को भीख नहीं मिलेगी और हाथ में कटोरा आ जाएगा। अगर कांग्रेस की सरकार आ गई, अगर नरेंद्र मोदी जी चले गए, तुमने 2024 में अगर गलती कर दी फूल का बटन दबाने से, मैं हिंदू भाई से कहना चाहता हूँ, अगर तुम्हें सनातन धर्म को बचाना है, क्या अपने आप को बचाना है, क्या अपने बच्चों को रोजगार शिक्षा देनी है, क्या सही दिशा पे ले जाना है, तो नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री आपको नहीं मिलेगा। पत्रकार साहब क्या कहना चाहेंगे? ये जो बीजेपी को हराने के लिए वो किसी भी हद तक जाएंगे, और
और कई एजेंडे चल रहे हैं और उनमें से एक एजेंडा यही है जातिवाद को लेकर के, जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है। ठीक है, सीधी ब्राह्मण पे टिप्पणी करना, मुख से पैदा तो ब्राह्मण और पैर से पैदा तो शूद्र, ये जान करके बोलेंगे ब्राह्मण, ठीक है, शूद्र, ये जान करके बोलेंगे बोल, हाँ बिल्कुल, ये छोटी कास्ट बड़ी कास्ट, मैं खुद हरिजन हूँ, ठीक है, मगर मैंने क्या नाम है, देखो जातिवाद करने वाले इंसानों को छोड़ा है, भगवानों को नहीं, ठीक है, मैंने जातिवाद करने वाले इंसानों को छोड़ा है, भगवानों को नहीं। भगवान कौन से कहते हैं, गीता कौन सी कहती है, सिर्फ कर्म, जैसे आपके कर्म होंगे आपके उसी हिसाब से आपको क्या नाम है फल मिलेगा। और रही बात क्या नाम है कांग्रेस की, आपने मंदिर की बात करी थी, तो क्या नाम है ये वो कह रही थी, क्या नाम है आपने कहा था, क्या नाम है बीजेपी जो क्या नाम है मंदिर का धर्म के इसलिए क्या नाम मंदिर बना दिया, और इसको भाई आप बनवा देते मंदिर, अगर आप बनवा देते मंदिर तो मेरा वोट आपको जाता। देखो इनके पास है ना सब कुछ है, लेकिन इनके पास है ना जो नियत है वो नियत नहीं है, नियत क्या लगता है, नियत नहीं। देखिए इन उन्होंने रामचरितमानस पढ़ा नहीं है, रामचरितमानस को देखा नहीं है, रामचरितमानस के बारे में देखा नहीं, गुलौ टिप्पणी करते हैं। रामचंद्रमानस तो शुरू में परीक्षा देवे के बाद ये ग्रंथ बन हुए, पहले मंदिर में बंद करके चार चार ताले लगाए के, जबकि जो आक्रमता थे उन्होंने वहाँ के ऊपर कुरान रख दी, कुरान के ऊपर और किताब रख दी और ग्रंथ रख दे उनके नीचे, जब सुबह तारों खोलो तो सबसे ऊपर रामचरितमानस। रामचरितमानस के बारे में इन कछु जानकारी ना है, ये चुनाव के लिए वोट लेने के लिए रामचरित्र और हिंदू पर टिप्पणी करता है, जिनमें अगर दमे तो कहूँ मुसलमान की मस्जिद पे और मुसलमान के ग्रंथ पे काऊ पे करें इनकी नार कट जाएगी, नार बच ना सकते ही। जिन्होंने देखो जी गुलो कर रहे हैं कि जिन्हों राम भक्तन पे गोली चलवाई और मंचन ते यूं कही कि और कितने राम भक्त मरवा दे तो जब वोट सबरे मुसलमान मोदी थी, जो गुलो टिप्पणी कर रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य की बात चल रही है, एक बार फिर से टिप्पणी की है, ब्रह्मा के मुख से पैदा तो ब्राह्मण और पैरों से पैदा हो तो शूद्र, क्या लगता है जिस तरह से बार बार जो है निशाना साधा जाता है, क्या मैम आपने जिस इंसान का नाम लिया है ना वो इंसान, मैडम क्या बताऊँ मैं, आप लेडीज हो मैंने बताऊँ, वो गलत बीज से पैदा हुआ इंसान है, उसका डीएनए बहुत खतरनाक है, उसका डीएनए इतना खतरनाक है, जिस इंसान का आपने नाम लिया, मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि मेरा जुबान भ्रष्ट हो जाएगा, वो हाँ उसी हरामखोर इंसान के बारे में बता रहा हूँ मैं आपको, मैं नाम नहीं लूँगा अपने जुबान से, मेरा जुबान खराब हो जाएगा, वो इतना हरामखोर, उसका डीएनए गलत है, उसके डीएनए का चेक करवाइए, वो डीएनए है जिसने भारत को टुकड़ा टुकड़ा किया है, वो डीएनए है जो सनातन धर्म को अपमानित किया है। आज के डेट में मैं सिर्फ इतना ही बताऊंगा, उसके पास ना सिर्फ इतना ही बुद्धि है, वो सनातन धर्म को नहीं जानता। मैं आपको बता देता हूँ, अगर देखो अगर डिप में जाओगे, अगर पूरी तरीके से डिप में जाओगे तो सेंस को मानते हो आप ना, तो सेंस का सामना सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म से होता है, ना कि इस्लामिक, ना तो यहूदी और ना तो किसी और जितने भी इधर, सिर्फ सनातन धर्म से होता है सेंस का सामना। और उस पर वो सवाल उठाया है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए सवाल उठाया है क्योंकि वो सत्ता भोगी है, सत्ता भोगी समझते हो, सत्ता भोगी है वो इंसान इतना गिरा हुआ इंसान है जो सत्ता के लिए कुछ भी कर सकता है। स्वामी प्रसाद मौर्य के जिस तरह से उन्होंने फिर एक बार टिप्पणी की है सनातन धर्म को लेकर, लगातार निशाने पर रखते हैं वो सनातन धर्म को, क्या लगता है वो खुद का अपना धर्म भूल चुके हैं इसलिए वो दूसरों पर टिप्पणी करते हैं, या सत्ता के मद में इतने चूर हैं कि वो भूल गए हैं कि वो भी जिस तरह से बोला जाता है, जैसे उन्होंने बोला है कि एक माँ के पेट से जो पैदा हो वही सनातनी है, वो इंसानों में तुलना ना करके सनातन को बीच में लेकर आते हैं। आपकी क्या राय, अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। इन्हीं सब खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। कैमरामैन किशन के साथ राधिका शर्मा। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।